किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद का अधिकार। अब मैं विनम्रता से इतना ही पूछना चाहता हूं कि किसी भी विषय पर आता है, इसमें सर्विसेस आती है या नहीं आती है? सर्विस विषय है या नहीं? और मान्यवर, और इससे आगे जाकर 239(a)(a)(3)(c) के अनुसार संसद को, ये भी ध्यान से सुने सदन, संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। और मानने वाले, हम लेकर नहीं आए, कौन लाए? आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। Our role says unparliamentary word cannot be used in this house. We have the book of list और उसी लिस्ट के हिसाब से किसी पार्टी किसी के साथ जाने पे उसकी गोदी में बैठी है, ये वर्ड अनपार्लियामेंट्री है। कल हम भी बोलेंगे, आप डेकोरम की बात करते हो, आप डेकोरम की बात करते हो, तो प्लीज गोदी में बैठे हैं, हम इतनी जेक्यू से बोलेंगे कि कौन सी जेक्यू जी है, किसकी गोदी में बैठे हैं। तो डेकोरम आप कहते हो, तो डेकोरम मेंटेन हम भी करना चाहते हैं। और स्पीकर सर, यू आर नॉट टू मेक अ स्पीच, आई हैव हर्ड योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आई रिजेक्ट द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, टेक योर सीट सर। Honorable Minister, माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने बड़ी बड़ी दुहाइयां दी, संविधान की दुहाइयां दी, डेमोक्रेसी की दुहाइयां दी और अदालत के फैसले की सम्मान करने की दुहाइयां दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मैं सबसे पहले अदालत के फैसले की बात करता हूं। अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है जब अदालत ने किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया है, इसमें स्थगन आदेश मांगा गया था, अदालत ने दिया नहीं। दूसरी बात, अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है जब हम अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई बिल लेकर आते हैं। यहाँ अदालत ने अपने फैसले में स्वयं कहा है कि दिल्ली संघ राज्य के लिए देश की संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वोच्च अदालत के प्रति अति विनम्रता रखते हुए बताता हूँ कि कई फैसले ऐसे होते हैं जो न्याय की कानून की इंटरप्रिटेशन करते वक्त अदालत देती है, मगर आज की जनभावनाओं के अनुरूप वो नहीं पाए जाते हैं, तो
इस आजादी से अब तक ढेर सारे इतने उदाहरण है जिसमें संसद ने अदालत के फैसलों को बदलने के लिए कानून लेकर आया, मगर इसमें तो एक केस भी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश की संसद ने कई बार संविधान बदला है। अदालत के फैसले की बात छोड़िए, अदालत के फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई संविधान के पैराग्राफ जोड़े गए हैं माननीय अध्यक्ष जी। और ये संसदीय परंपरा है जिसको अदालतों ने भी स्वीकार किया है। और पहला संविधान संशोधन तो तब हुआ जब पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी मान्यवर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है। और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं।